नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। श्रृंगार आरती मंडल द्वारा माता गिरिजा देवी का हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। मुरादाबाद में रविवार को श्रृंगार आरती मंडल श्री काली माता मंदिर के सौजन्य से विशाल भंडारा एवं सुबह यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर यज्ञ में भाग लिया। इसके पश्चात दोपहर में विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लगभग 4000 भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। श्रृंगार आरती मंडल के 100 से अधिक सदस्यों ने इस कार्य को संपन्न कराने में अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। इस दौरान बताया गया कि मंडल के सौजन्य से प्रतिवर्ष मई माह में माता गिरिजा देवी का रामनगर में विशाल भंडारे एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है, किंतु मंदिर के कपाट 30 जून तक बंद होने के कारण इस वर्ष का द्वादश लालबाग स्थित काली माता मंदिर में भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, राकेश कुमार टंडन, अजीत कुमार अग्रवाल, सुरेश सैनी, संजय सक्सेना, शुभम कुमार, आकाश गुप्ता, संजय कुमार, प्रीतम, विशाल प्रजापति, मनोज कुमार, नितिन, संजय कुमार, पंकज कुमार, मणि आनंद, सतीश, लकी शर्मा, अंशुल गुप्ता, अंकुर गुप्ता, मुकेश कुमार आदि अधिक संख्या में भक्तों ने अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। मेरा नाम राकेश कुमार टंडन। कौन सा फंक्शन है, क्या है ये? आज श्रृंगार आरती मंडल की तरफ से विशाल भंडारे का और यज्ञ का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? श्री काली माता मंदिर पर ये आयोजन किया गया है। ये श्रृंगार आरती मंडल प्रतिवर्ष गिरिजा देवी रामनगर में भंडारे का आयोजन करता है। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो यहीं काली माता के मंदिर में होते हैं। केवल एक भंडारे का आयोजन हम लोग वहाँ पर गिरिजा देवी मंदिर पर करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर बंद है, तो ये हमारा 12वां भंडारा था जो आज हम यहीं काली माता मंदिर पर ही संपन्न कर रहे हैं। क्या भक्तों के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहिए? भक्तों के लिए मैसेज है कि पूजा पाठ करें, माँ का प्रसाद ग्रहण करें, धर्म लाभ उठाएँ।